हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियाँ लाते हैं। आज की कहानी की बात करें तो ये कहानी अभिषेक जी की है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहीं एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। इससे पहले भी मैंने कई दूसरे कॉल सेंटर्स में काम किया है। उन्हीं में से एक कॉल सेंटर गुड़गांव में था, जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं। मैं ऑफिस जाने के लिए मेट्रो लेता था। मेट्रो की पार्किंग पर अपनी बाइक लगाकर आगे का सफ़र मैं मेट्रो से ही किया करता था। मेरा ये रोज़ का काम था। इंटरनेशनल कॉल सेंटर होने की वजह से हमारे कॉल सेंटर में दो शिफ्ट हुआ करती थी, डे और नाइट। पर मुझे यहाँ काम करते करते 6 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी नाइट शिफ्ट नहीं लगी थी। कुछ दिनों बाद ही मेरी नाइट शिफ्ट लगी और मुझे उसके लिए घर से 4:30 बजे निकलना पड़ता था और लगभग 6 बजे मैं ऑफिस पहुँच जाता। कुछ टाइम मैं ऑफिस में रहता और फिर 7 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती और जो मॉर्निंग के 4 बजे ख़त्म होती थी, जिसके बाद मैं घर के लिए निकल जाता और उसी तरह घर पहुंच जाता था। अब नाइट शिफ्ट करते करते मुझे कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन ऑफिस पहुंचकर मुझे पता चला कि आज मेरे ग्रुप में सिर्फ मैं ही आया हूँ और कुछ न्यू एम्प्लॉइज़ मेरे ग्रुप में के लोगों को रिप्लेस किया है और मुझे उन्हें एक दिन के लिए ऑफिस का काम भी समझाना था। हमारी शिफ्ट स्टार्ट हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारा ब्रेक टाइम हुआ। हमारे ऑफिस में हमें डिनर के साथ साथ जिम और गेमिंग रूम भी प्रोवाइड कराया जाता था, जिससे कि रात को शिफ्ट करने वाले आराम से अपना काम कर सकें। पर मुझे नहीं पता था कि आज ऐसा नहीं होने वाला था। मैं खाना खाकर वॉशरूम गया, तभी लाइट्स चली गई, क्योंकि आज से पहले कभी भी हमारे ऑफिस में लाइट्स नहीं गई थी, तो ये बड़ा अजीब था। मैंने बाहर आने के लिए गेट खोलने की कोशिश की तो गेट ओपन ही नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा कि डोर के नीचे से किसी के पैर दिख रहे हैं, जो कि एक लड़की थी। ये बड़ा ही अजीब था, क्योंकि ये टॉयलेट लड़कों के लिए था और यहाँ एक लड़की का होना, और वो लड़की वहाँ यहाँ घूम रही थी, तो मुझे लगा शायद कोई सफाई करने वाली होंगी जिन्हें कि पता नहीं चला होगा कि अंदर कोई है। तो मैंने उन्हें गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पर वो लड़की मेरे बगल वाले टॉयलेट में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे वहाँ से उसके रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि वो बहुत दुखी हों। तभी कुछ ही देर में लाइट आ गई और मेरा गेट भी ओपन हो गया। मैंने टॉयलेट से बाहर आते के साथ ही दूसरे वाले टॉयलेट में आवाज़ लगाई, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दरवाज़ा टच करके देखा तो वो खुला हुआ था, पर अंदर कोई भी नहीं था। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि मैंने ना तो किसी को वहाँ से जाते सुना था और ना ही कोई मेरे सामने वहाँ से कोई बाहर गया था। मैं अपने ऑफिस में आया और मैंने सबसे पूछा, क्या कोई वॉशरूम गया था? किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ कौन गया। फिर हम सब काम करने लगे, पर मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी। हमारा दूसरा ब्रेक हुआ। इस ब्रेक में मैं जिम जाकर ट्रेडमिल पर भागता था। आज भी मैंने ऐसा ही किया, पर मैंने देखा कि ट्रेडमिल की स्पीड धीरे धीरे अपने आप बढ़ रही है। मैं जैसे तैसे ट्रेडमिल से उतरा और ऑफिस की तरफ जाने लगा, पर अब मैंने देखा कि पूरा ऑफिस जैसे खाली है। मैंने सब जगह चेक किया तो सच में वहाँ मुझे कोई भी नहीं मिला, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं। मैंने भी जल्दी से जल्दी ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं लिफ्ट पे गया और लिफ्ट चालू की तो मैंने देखा कि हर बार मैं अपने ऑफिस के ही फ्लोर पर आ जा रहा हूँ। मैंने लिफ्ट छोड़ी और फटाफट सीढ़ियों पर भागने लगा। फिर भी मैं उसी फ्लोर पर पहुँच रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। वापस से अपने ही ऑफिस में गया, मैंने देखा कि मेरी चेयर पीछे खिसकी और उस पर कोई बैठा और उसने कंप्यूटर ऑन करके काम करना शुरू कर दिया है। मैंने ये सब दूर से देखा।
तभी ऑफिस के दूसरे कॉर्नर से मुझे एक लड़की के रोने की आवाज़ आई। मैं उधर को गया तो मैंने देखा एक लड़की चुपचाप बैठे रो रही है। मुझे थोड़ा लगा कि चलो कोई और भी है, शायद वो भी अकेली होने की वजह से डर गई होगी। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। वो लड़की उठी और चुपचाप अपने सामने बनी खिड़की की तरफ जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे गया, मैं उससे सब पूछ रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस अपने हाथों से अपना मुंह छुपाए रो रही थी। मैंने उससे फिर से पूछा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अब उसने अपने हाथ उठाए तो मैंने देखा कि उसके फेस पर कुछ भी नहीं है, ना आँख नाक मुंह कुछ भी नहीं, बस एक सपाट चेहरा था। मैं चिल्लाता हुआ पीछे हटा तो वो लड़की ऑफिस की खिड़की पर चढ़ गई और वहाँ से कूद गई। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब मैंने उस खिड़की से नीचे देखने की कोशिश की पर मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। पर मैं और थोड़ा सा बाहर को झाँक कर देखने की कोशिश करने लगा, तभी मुझे लगा जैसे कि कोई चीज़ मुझे और मेरे पैरों को पकड़े हुए है। वो मैंने पूरी ताकत लगाकर उस चीज़ से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगा, तभी उस ताकत ने मुझे पीछे से खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। और मैंने जैसे ही देखा तो मैं ऑफिस में ही था और सभी मुझे घेरे हुए परेशान खड़े थे। वो मुझसे कहने लगे तुम क्या कर रहे थे। उनके हिसाब से मैं काफ़ी देर से ऑफिस से गायब था और अचानक दौड़ता हुआ कहीं से आया और खिड़की पर चढ़ गया और वहाँ से कूदने की कोशिश करने लगा और उन्होंने मुझे पकड़ कर रोका। मैंने उनको अपने साथ हुआ सब बोला पर लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उनको लगा मैं रात की शिफ्ट करने की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ दिख रहा है, या फिर मैंने कोई डरावना सपना देखा होगा। और थोड़ी ही देर में ये सारी बात पूरे ऑफिस में फैल गई। मैं ऑफिस से बाहर निकला, बिल्डिंग के एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आकर बोले जो आपने देखा वैसा ही इस ऑफिस में कुछ 17 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था इसी खिड़की से कूदकर, किसी को नहीं पता क्यों। और जो टॉयलेट अभी मेंस का है वो उस समय वुमेंस के लिए हुआ करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैंने भगवान का नाम लेकर उस जगह से चला गया और कुछ दिनों बाद मैंने वहाँ से जॉब भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें और कहानी सुनें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।